से बरगाम से आइए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और ये ब्लॉग है छठ पूजा के पहली अर्घ के दिन का। तो मॉर्निंग में मैं और मेरे हबी जी इन साग को और मटर को ठीक करके रख रहे हैं, ताकि ये जो काम है मॉर्निंग में ही हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। फिर हम लोगों को घाट पे भी जाना था, इस वजह से हमने थोड़े जल्दी ही ये सारे काम कर लिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सारे काम खत्म हो चुके हैं, मतलब मटर भी हमने छील लिए, साग वगैरह सब साफ करके हमने रख लिए हैं। और फिर जो ये बचे हैं थोड़े बहुत छिलके वगैरह और थोड़े से साग में से जो बेस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उन्हें जाकर के हबी जी अभी गऊ माता को दे करके आ जाएंगे। और ये देख लीजिए, ये कबूतर, तो मैंने पहले ही बताया था कि मॉर्निंग में ही मैं इन कबूतरों को दाना दे देती हूँ। और कितने प्यार से ये देखिए चुग रहे हैं, तो अच्छा लगता है हम लोग को। और फिर ये देखिए, अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बज रहे हैं, तो मैं और मेरे हबी जी यहाँ पे आ चुके हैं घाट पर जाने के लिए। और अच्छी खासी भीड़ थी लोगों की यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आलते से अपने पैर को कलर करवा रही हूँ। और ये प्रमोद जी की बहन हैं, तो यही सभी के पैरों को कलर कर रही थी, सभी को नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को। तो आंटी जी मुझे भी बोल रही थी पैर कलर करवाने के लिए, तो मैं भी आ गई। और आलता लगने के बाद देखिए पैर कितने खूबसूरत लगने लगते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को करने के बाद, अपने रीति रिवाज से जुड़ने का जो एहसास होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग देख रहे हैं ऊपर में, छत के ऊपर कितने सुंदर तरीके से आंटी जी ने अपने घर को सजा करके रखे हैं पौधों से। बहुत ही अच्छी तरह की बागवानी की गई है छत के ऊपर। रात में तो उतने ठीक से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन दिन में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और घाट पर जाने के लिए लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, और अब यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं, छोटे छोटे ही हैं सब, तो इन दोनों को लेकर के अब जा रहे हैं और गाड़ी पे रखेंगे। सभी लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं छठ पूजा में, तो ये जो सामूहिक पर्व है ये हमारी परंपरा को बरकरार रखने के लिए बहुत ही मददगार है। हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें एक दूसरे के घर में जाने के लिए उत्साहित करती है। हम लोगों से मिलजुल कर के कैसे रहें, ये हमें इन परंपराओं से सीखने को मिलता है। तो अब गाड़ी पे भी सारे सामान रखे जा चुके थे और अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे देखिए, रास्ते में मुझे ये गौरैया मिल गए तार पे बैठे हुए, लाइन से एकदम बैठे हुए थे सारे गौरैया। और यहाँ का तो रास्ता वैसे भी काफ़ी खूबसूरत होता ही है, और हमें जो है वो थोड़ी सी दूरी पे जाना था। घाट लगभग घर से
12 से 13 किलोमीटर है, तो इसलिए हम लोग काफ़ी पहले निकल चुके थे घर से। 3:30 बजे हम लोग निकल गए थे। और ये देखिए रास्ते में भी कुछ लोग मिल गए। और रास्ते की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये पेड़ साइड से जो लगे हुए हैं और ये पहाड़ अनायास ही आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं। ये काफी खूबसूरत लगता है ये रास्ते के किनारे। तो इस रास्ते में चलने पे आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि आप कितने दूर निकल चुके हैं। रोड के किनारे से देखते हुए इन खूबसूरत दृश्यों को आप बहुत ही जल्दी कहीं भी पहुंच जाते हैं। और अब हम लोग भी घाट किनारे पहुंच चुके हैं, जहां की पहले से ही कई गाड़ियां लगी हुई हैं और भीड़ भी काफी नजर आ रही है। और अब लगभग शाम भी होने ही वाली है। वैसे भी उस दिन थोड़े से बादल लगे हुए थे, इस वजह से भी शाम थोड़ी सी जल्दी लग रही थी। और गाड़ी से उतरने के बाद कुछ दूर के लिए पैदल भी चलना है यहाँ पे। तो बस हम लोग पैदल निकल चुके हैं अब यहाँ। और रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं, कंकड़ीले भी हैं ये थोड़े थोड़े। तो आप लोग देख सकते हैं भीड़ यहीं से इकट्ठी हो चुकी है। लेकिन बहुत दूर में ये जो नदी है फैली हुई है, तो भीड़ ज़्यादा नहीं लग रही थी हम लोगों को, और लोग काफी दूरी दूरी पे भी थे। और यहाँ पे देख लीजिए थोड़े से पानी में से भी हम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो मैं अपने पैरों में सैंडल डाली हुई थी, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो रही थी। और वैसे भी मैं नदी वगैरह में उतना उतरती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। इसलिए मैंने पहले तो अपने सैंडल उतारे और अब मैं धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो ये एहसास है वो मुझे काफी अच्छा लगा। जल्दी आइए, जल्दी आइए। और अभी जी तो पहले ही वो निकल चुके थे, इसलिए मुझे बार बार बोल रहे हैं आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे काफी अच्छा भी लगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी के चींटे भी मारने शुरू कर दिए अभी जी पे। वो आगे बढ़ गए थे ना, तो मुझे थोड़ा सा छेड़ने का मौका मिल गया। और हम लोग के यहाँ पहुँचते पहुँचते आंटी जी नदी में स्नान करने के लिए और सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए पहुँच चुकी थी। और उन्हीं के साथ साथ अंकल जी भी और प्रमोद जी के भाई दीपक जी भी नदी में उतर चुके थे। और कुछ लोग तो यहाँ पे अर्घ भी देना स्टार्ट कर चुके थे। और यहाँ पे अब रोशन जी की फोटोग्राफी भी स्टार्ट हो गई है। वो फोटो लेने में एकदम एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छी तस्वीरें निकालते हैं वो। और ये रही रोशन जी की मम्मी। और अब धीरे धीरे शाम भी जो है वो काफी ढल चुकी है, अंधेरा अब होने ही वाला है। और अब यहाँ पे हबी जी भी पानी में जा चुके थे और साथ में मुझे भी बुला रहे हैं। तो मैं भी उस दिन काफ़ी देर पानी में रह गई थी, लगभग आधे घंटे के करीब।
और इतने देर तक पानी में रहने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं इतनी देर कभी भी पानी में नहीं रही थी और पानी थोड़ा सा ठंडा था लेकिन बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। बहुत मज़ा आया हम लोगों को उस दिन। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरे घर में छठ पूजा नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसे हम लोग के घर में ही छठ पूजा हुई है। हम लोगों ने खूब इंजॉय किए इस छठ पूजा को। और अब यहाँ पे ढलते सूर्य को अर्घ देने की बारी आ चुकी है। आंटी जी नदी में काफ़ी देर रहीं, उन्होंने आराधना की उतनी देर, लगभग आधे से पौन घंटे के करीब। और अब ये जो सूप वगैरह होते हैं उन सूपों को आंटी जी के हाथ में दिए जा रहे हैं, जैसे सभी जगह पे होते हैं ये चीज़। और हम सूप के चारों तरफ दूध और जल को अर्पण कर रहे हैं। मैं लोटनी ले जाना भूल गई थी तो बस मैं यहाँ पे हाथों से ही जल को अर्पित कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हाथों से ही जल को अर्पित कर रहे थे। और अब बहुत लोगों के जो शाम की पूजा है, अर्घ देने की प्रक्रिया, वो अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत लोग निकल चुके हैं। और हम यहाँ पे इस दीपक को लेकर के थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अगर आप कोई दीपक वगैरह ना भी ले जाओ तो इस पत्ते के दोने में आसानी से एक बाती और थोड़े से घी डाल करके आप आराम से कोई दिया बना सकते हैं। और आप इस पानी में उस दिए को आप आसानी से विसर्जित कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से दिए को लेकर के पानी में विसर्जित कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी के किनारे जो ये रेत थे, ये नदी ही पूरी ही रेतीली है, तो इस रेत पे चलना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो
तो मैं और मेरे हबी जी यहाँ पे थोड़ी दूर साथ साथ चल रहे हैं इस रेतीले रास्ते पे, और अपने हम सफ़र के साथ इस तरह से कदम मिला करके चलना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस छठ पूजा को लेकर के हमारी कई नई यादें बन गई हैं जो कि हमारे जहन में हमेशा रहेंगी, और इन वीडियोस के ज़रिए तो वो बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं जब भी हम इन्हें देखते हैं। मैं कई दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ इन वीडियोस को देख करके, लेकिन फिर भी मुझे वो एहसास फिर से ताज़ा तरीन लगे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं और मेरे हबी ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया इस पूजा को। तो बस अब हम यहाँ से लौट रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई ब्लॉग्स।